नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए बग्गा साहब के साथ और एक आज फिर नया शब्द लेके और उसकी फिर व्याख्या बग्गा साहब करेंगे। अपने विचार हमारे प्रोग्राम गुरबाणी विचार में आपको देंगे। तो स्वागत है बग्गा साहब, आज थैंक यू। आज आप क्या नया शब्द लेके आए? आज का शब्द जो है हमारे जो है फिफ्थ नानक के द्वारा उच्चारित है, गुरु अर्जन देव जी के द्वारा। अच्छा। और ये राग सोरठ में दर्ज है, पेज नंबर 613 पे गुरु ग्रंथ साहिब में। अब पिछला शब्द हमने देखा था, उसमें भी संबोधन जो था वो माधव के लिए था। उसमें भी प्रभु के लिए जो संबोधन था माधव से नाम से था। इस शब्द में भी जो है संबोधन माधव के लिए ही है। माधव मतलब वही इसमें ये है ना, माधव बस हरि प्रभु, बस हरि प्रभु। हाँ मतलब वही। हाँ वही है। हाँ, अच्छा, माधव का एक्चुअल में जो मीनिंग होता है वो होता है माया का पति, हस्बैंड ऑफ माया। अच्छा, उसको कहा गया माधव। मतलब ही कंट्रोल्स माया और ही स्प्रेड्स माया। यस 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 यस, इज कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग भाई, दैट इज व्हाई ही इज हरि। अच्छा हाँ, हरि का मतलब ही होता है ओमनीपोटेंट। नहीं, हरि का मतलब तो ओमनीप्रेजेंट होता है, मैं समझ गया। जब आपने कहा नहीं, ओमनीपोटेंट माधव का मतलब हुआ ही हस्बैंड ऑफ माया, मतलब ही इज हस्बैंड ऑफ माया। यस, हस्बैंड ऑफ माया मतलब ही कंट्रोल्स माया, ये हुआ मतलब। बेसिकली हाँ, ही कंट्रोल्स माया, ही इज हस्बैंड ऑफ माया मींस बेसिकली ही इज हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी, यू नो। अच्छा, जो लक्ष्मी का जो पति है वही वही उसी को माधव का आगे, उसी माधव का आगे। अच्छा, और लक्ष्मी जो है वो माया है, लक्ष्मी माया। हाँ, वो तो मतलब एक फॉर्म ऑफ माया है। हाँ, माया है। इसलिए जो माधव का मतलब है माया का पति, मतलब लक्ष्मी का पति, लक्ष्मी का पति। ओके सर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये कहा गया कि माधव हम ऐसे तू ऐसा, इस शब्द में ये विचार की गई है कि बताया जा रहा है कि हे प्रभु भाई हम ऐसे हैं और तू ऐसा है। तो उसके गुणों का यहाँ पे विचार हो रही है कि वो हमारे लिए क्या क्या हमारे को दे रहा है और हम उसकी जगह क्या उसके लिए हमारी स्टेटस क्या है। तो पूरे शब्द के विचार ऐसा है, देखो एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें बताया गया है। पहला है लाइन, हम मेले तुम उजल करते। सर एक बार पहले हम पूरा मेले, पहले पूरा पढ़ के सुना दीजिए ना। हाँ, हम मेले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा रहाओ, तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा, निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान देओ मेहरबाना, तुम करो भला हम भलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निधान अटल सुल्तान, जिए जंत सब जाचे, कहो नानक हम यह हवाला, राख संतन के पाछे। अब इसकी एक एक लाइन का जो है वो मीनिंग वो बड़ा सिग्निफिकेंट है कि जो इसका जो सेंट्रल जो पॉइंट है इस शब्द का वो यह है कि माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, निको ठाकुर देसा। हे माधो, दिस इज व्हाट वी आर एंड दिस इज व्हाट यू आर, हम ऐसे तू ऐसा, लाइक हम पापी है, वी आर सिनर्स, तुम पाप खंडन, यू आर इरेजर ऑफ द सिंस, यू आर इरेजर ऑफ द सिंस, निको ठाकुर देसा, वो जो है तेरा जो उपदेश है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तेरे उपदेश के द्वारा ही जो है हमारे पाप का खंडन होता है, इसलिए तो पाप का इरेजर है। हाँ, तो तेरे जो पाप का इरेजर है क्योंकि तेरा उपदेश जो है इतना ब्यूटीफुल है कि उस उपदेश से ही जो है हमारे पापों का खंडन हो जाता है, राइट। फिर कहा गया हम मैले तुम उजल करते, वी आर फिल्थी, हम तो मैले हैं अंदर से, तुम उजल करते, यू मेक अस इमैकुलेट, हम निर्गुण तू दाता, हमारे अंदर में कोई ऐसा गुण नहीं है, हम बिना गुण वाले हैं और तू जो है गुणों का देने वाला है, देने वाला है। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, वी आर फुलिश, हम तो मूर्ख हैं,
तुम चतुर सियाने हो, तुम यू आर स्मार्ट एंड यू आर एस्ट्यूट, तू सर्व कला का ज्ञाता, यू आर नोअर ऑफ एवरी टेक्निक, कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिसके तुम ज्ञाता नहीं हो। राइट, तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा, जितने भी जीव जो है तुमने बना के पैदा करके उनको जो है अपने सोल एंड बॉडी एंड ब्रेथ से तुमने उसको जो है सजाया है, सबको सबको सोल बॉडी एंड ब्रेथ दिया उसने, ठीक है नहीं। निर्गुण आ रहे गुण नहीं कोई, तुम दान दे, मर्सीफुल ए मर्सीफुल लॉर्ड, कोई निर्गुण आ रहे गुण नहीं कोई, हम बिना गुण वाले हैं, कोई गुण है नहीं, और यू आर द गिवर ऑफ द गिफ्ट ऑफ वर्चुस। यस, तुम करो भला हम भलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला, यू आर डूइंग गुड टू अस बट वी डोंट रिकॉग्नाइज योर गुडनेस, यू आर एवर एंड एवर काइंड एंड कॉम्पैशनेट, हमें तुम हमारा सदा सदा दयाला हो, काइंड एंड कॉम्पैशनेट टू अस, तुम सुखदाई पूर्वक विदाते तुम रखो अपने बाला, तुम सुख देने वाले हो, राइट, विदाता हो और तुम जो है अपने हमारे को अपने बच्चों की तरह अपने को अपने पास रख लो, हमारे को तुम निदान अटल सुल्तान जिए जंत सब जाचे, तुम जो है वो ट्रेजर हो, निदान का मतलब ट्रेजर और अटल सुल्तान मतलब तो वो मतलब लॉर्ड हो जिसको कोई हिला नहीं सकता, अटल सुल्तान जिए जंत सब, जितने भी जीव जंतु हैं तो सबका असेसमेंट तुम खुद कर रहे हो, कोई पर्सन इतने जीव जंतुओं का 84 लाख जो जूनी से पैदा किए हुए तुमने इतने टाइप के, उन सबका असेसमेंट जो है वो तू ही करने वाला है। हाँ, हाँ। कहो नानक हम ये हवाला राख सत्तन के पाछे, तो गुरु कहते हैं भाई हमारी हालत तो यही है, इसलिए जो है हमारे को जो है तो अपने 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 पीछे लगा के रख, हे गुरु तो अपने पीछे हमारे को लगा के रख हमेशा, ताकि हम जो है माया के प्रभाव से बचे रहें और तेरी शरण में रहे, ये है इस शब्द का पूरा सार। मतलब इसमें इसका ये अगर देखें जो मेरे को समझ में आया वो है कि मतलब प्रभु आपकी वजह से ही हम तो कुछ भी नहीं है, मतलब हमारी तो कोई योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है, आप ही हमको संभाले हुए हैं और ये जो हम जी रहे हैं और हम जो हमारा जो उद्धार होगा वो आपकी कृपा से ही होगा, बिल्कुल हमको आपके शरण में ले लो। हाँ बिल्कुल, अपने अपने पीछे लगाई रखो, ठीक है नहीं, तो यही जो है एक रिक्वायरमेंट है मेरी बस, क्योंकि क्योंकि माधो हम ऐसे तू ऐसा, हे प्रभु वी आर लाइक दिस एंड यू आर लाइक दिस, तो जो उसका उसका जो हमारा तो कोई भी गुण नहीं है, गुण नहीं है, हाँ सारे के सारे जो है गुण सारे सारे जो है उसके जो वर्चुअल प्रॉपर्टीज नेचर सब उसी उसी के कंट्रोल में है, तो ये शब्द का पूरा जो है सार। एक एक मीरा का भी भजन है कि प्रभु जी मेरे चित्तगुण मतलब मेरे अवगुणों को चित मत धरो और उनको इग्नोर करो, हाँ। उनको आप अपनी शरण में ले लो। हाँ बिल्कुल, देखो साहब एक बात आपको मैं जो जो बेसिक जो प्रॉपर्टी जो भजन जो भी होते हैं या जो भी महापुरुषों द्वारा जो भी उच्चारित जो मैसेजेस हैं वो आपको जनरली सब कॉमन मिलेंगे। आप इवन आप कोई सा भी ग्रंथ उठा के देख लो, ये चीज आपको जो है इवन बाइबल में भी मिल जाएगी, यही चीज आपको कुरान में भी मिल जाएगी, यही चीज आपको गीता में भी मिल जाएगी। तो क्योंकि ये जो मैसेजेस है ना, ये जो देखो मैसेजेस जो आर्ट ऑफ लिविंग है, मतलब जिसको आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, जो आपकी लाइफ को गाइड करते हैं, वो सब ग्रंथ के अंदर में कॉमन मिलेंगे तुम्हारे, मतलब जो अच्छी चीज है वो तो सब में कॉमन आएगी आएगी ना, जो अच्छी चीज मतलब सब सब के रास्ते हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन अल्टीमेटली जो जो पहुंचना है जो डेस्टिनेशन है वो सबका सेम ही है, वो उसी डेस्टिनेशन पे जाने की बात करते हैं, सबको हाईवे पे जाना है, सबको एक हाईवे पे पहुंचना है, अल्टीमेट पहुंचना है, ठीक है नहीं।
अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा, जो आप क्या बोलते हैं कि सुपरफास्ट रास्ता लेना चाहते हैं या शॉर्टकट ले से कुछ, ये भी उसकी कृपा है, अपने आप आपको उस रास्ते पे ले लेगा जिस रास्ते पे आपको लेना है उसने। ठीक है नी, तो सही है सर। इसका मैं अपने इस चर्चा को समाप्त करने के पहले मैं ये कहूंगा कि मतलब प्रभु ही हमको सही रास्ते पे ले जा सकता है, इसलिए हमको, हम उससे वही प्रार्थना करते हैं कि वो हमको अपनी शरण में ले ले और हमारे ले ले जो अवगुण है उनकी तरफ ध्यान नहीं दे, क्योंकि हम तो अवगुणों का भंडार है और आप ही सब कुछ है, मतलब आप गुणों के जो है वो है, गुणतास है, मतलब गुणों की क्या बोलते हैं, बाइनिंग, माइंड्स ऑफ गुण, ताने मतलब माइंड्स ऑफ गुण। ठीक है, आज का आपको आज का ये सवाल अच्छा लगा होगा, इस पे बग्गा साहब का काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, और इसलिए मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और मुझे समझ में भी आ गया, भाषा आपको भी समझ में अच्छे से आया होगा। तो फिर इसी के साथ हम इजाजत चाहते हैं और बग्गा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर इसी तरह हम अगले सबक के साथ आप उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी।